السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين आज माशाल्लाह यहाँ पर सोलापुर की ईदगाह में माशाल्लाह एक जम्मे गफीर था जिन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की और खुतबा सुना और उर्दू तकरीर की समाअत की। ईद उल अज़हा का पैगाम ये है कि ईद उल अज़हा जो एक मुबारक और मसूद मौका होता है, इसमें तमाम इंसानियत के लिए रहमत की तालीम दी गई है और इंसानियत की तालीम दी गई है, क्योंकि हमारे दीन के अंदर इंसानियत की तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है और रहमत वाली तालीम हमारे दीन के अंदर है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा जाता है, आप तमाम आलमों के लिए रहमत हैं। इसी लिहाज से आज ईद उल अज़हा का जो दिन है, ये मोहब्बत और रहमत और अमन को फ़रोग़ देने के लिए एक बेहतरीन मौका होता है, जहाँ पर कम्यूनिटी के सारे लोग जमा होते हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद आपस में गले मिलते हैं, मतलब ये है कि वो उनके दरमियान में कोई नफरत नहीं है, कोई अदावत नहीं है, आपस में सब एक दूसरे के भाई हैं। यह मोहब्बत तमाम बरादरानी वतन के साथ इजहार करने का एक बेहतरीन मौका होता है ये मौका, और साथ ही साथ इसके अंदर तमाम के लिए एक मैसेज है अम्बिया इकराम की ज़िंदगी का कि उन्होंने दुनियावी ख्वाहिशात जो होती हैं उसके हवाले से ये दर्स दिया है कि एक बंदा अपनी दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह ताला की रज़ा को चाहे और अल्लाह के रसूल ने जो तालीम अता फरमाई है, जो दीन हमें अता किया है, उसके वो ताबे बन जाए। इसी के अंदर तमाम के लिए भलाई है, इसी बात का जो है आज ईद के मौके पर पैगाम दिया जाता है। और मैं ख़ास तौर पर हमारा जो वतन अजीज़ है और ये जो शहर है, तमाम के लिए मैसेज ये है कि हम तमाम जो है आपस में मिलजुल कर रहें। ईद का जो त्यौहार होता है, जो इवेंट होता है, एक बेहतरीन मौका होता है कि हम आपस में मिले बैठें, मोहब्बत को आपस में शेयर करें, भाईचारगी को शेयर करें, एक बहुत बेहतरीन और ज़रिए मौका होता है। और साथ ही साथ ये भी है, दुआ भी अल्लाह ताला से, अल्लाह सुभान व तआला हम तमाम को तरक्की अता फरमाए, हमारे वतन अजीज़ को तरक्की अता फरमाए और इस शहर को तरक्की अता फरमाए, अमन व सलामती को, मोहब्बत को, भाईचारगी को अल्लाह सुभान व तआला आम फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।